नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है बिहार की क्षेत्रीय कला के बारे में, और क्षेत्रीय कला के अंतर्गत हम बात कर रहे थे मधुबनी लोक कला, मंजूषा लोक कला, टिकुली लोक कला के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिक रूप से हम बात करेंगे आपके मंजूषा आर्ट के बारे में, मंजूषा कला के बारे में। आप सभी को याद होगा हमने कल जाना था बिहुला, पूर्वी बिहार का एक अनोखा पर्व। जो ये बिहुला है, ये बिहुला क्या है, आपके जो भागलपुर क्षेत्र है, भागलपुर क्षेत्र में विशेष रूप से मनाई जाने वाली एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, जो जिसे मैंने कहानी भी आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो आपकी शिव की जो मानस पुत्र है, इसे मनसा देवी कहा गया, मनसा देवी की आराधना इस पूजा में की जाती है। और आज हम जानेंगे उसी त्यौहार पर, उसी फेस्टिवल पर जो है पेंटिंग का भी निर्माण किया जाता है, जिस पेंटिंग को आप सभी कहते हैं मंजूषा चित्रकला, यानी कि मंजूषा आर्ट। मंजूषा आर्ट में जो है सांपों का अंकन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि जो आपकी मनसा देवी है, मनसा देवी को सांपों की रानी माना गया है, तो सांपों की पूजा जो है विशेष रूप से इस त्यौहार में, इस फेस्टिवल में की जाती है। जब हम पेंटिंग का निर्माण करते हैं तो पेंटिंग में भी जो कथा के पात्र हैं, जैसे कि आपके बाला लखेंदर हो गए, बिहुला हो गई, मनसा देवी, चांद सौदागर, इन सभी का ही अंकन किया जाता है। और साथ ही जा चुकी है शिव की मानस पुत्री ने माना गया है, तो शिव का भी अंकन इस पेंटिंग में किया जाता है। जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल में आप जो पेंटिंग देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कैसे एक शिवलिंग है, और शिवलिंग के अंदर जो है मनसा देवी का अंकन किया गया है। तो चलिए आज से क्लास को शुरू करते हैं, आपसे हेडिंग दे देंगे मंजूषा आर्ट, यानी कि मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला में आप सभी को लिखना है मंजूषा चित्रकला भागलपुर के लोक कथाओं में सर्वाधिक प्रचलित बिहुला बिसहरी की कथाओं के आधार पर चित्रित की जाती है। जो बिहुला और बिसहरी की जो कथा है, इसी कथा के आधार पर, इसी कहानी के आधार पर हम मंजूषा चित्रकला का अंकन करते हैं। जैसे आप सभी को याद होगा जब हम मधुबनी पेंटिंग पढ़ रहे हैं, तो मधुबनी पेंटिंग में जो है क्या किया था, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके इस मंजूषा लोक कला में भी प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग होता है या उपयोग किया जाता है। बिहुला या जो सती बिहुला है वो एक लोक कथा करुण रस से परिपूर्ण है। कथा तो हमने पिछले वीडियो में जाना ही था, कथा भी आप सभी को सुनाए थे, फिर भी थोड़ा बहुत हम आज के क्लास में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये कहानी जो है 13वीं से 18वीं सदी की अवधि में इस कथा पर आधारित बहुत सी रचनाओं का निर्माण किया गया। इन निर्मित रचनाओं का जो है धार्मिक उद्देश्य मनसा देवी की महत्व का प्रतिपादन करना था। 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो है जो एक कथा थी, इस कथा के ऊपर जो है बहुत सारी किस्से कहानियां का निर्माण किया गया, और साथ ही साथ इस पर पेंटिंगों का भी निर्माण किया गया, पेंटिंग भी बनाई गई। आप सभी जानते होंगे कोई भी चीज यदि बनाई जाती है, कोई भी चीज का अंकन किया जाता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका धार्मिक उद्देश्य छिपा होता है। क्योंकि धर्म ने जो है, जब भी धर्म अपना विस्तार करना चाहा, तब जब वो कला का साथ लिया है, उसी तरह जो है जो मंजूषा, जो मनसा देवी है, मनसा देवी का जो महिमा का प्रतिपादन करना था, तो महिमा का प्रतिपादन करने के लिए कला का सहारा लिया गया, आर्ट का सहारा लिया गया। और आप सभी जानते होंगे आर्ट में जो आपके चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, ये सभी कलाएं आती है, तो इन सभी कलाओं का प्रयोग करके मनसा देवी की महिमा का प्रतिपादन किया गया। लेकिन यदि हम मंजूषा चित्रकला की बात करते हैं, जब हम मंजूषा पेंटिंग की बात करते हैं, तो जब इसमें बनाई गई कलाकृतियां पर आप गौर करेंगे, आप कलाकृतियों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें बिहुला एवं उसके पति बाला लखंदर के जो पवित्र प्रेम के लिए जो है अधिक ही प्रचलित है। जबकि मंजूषा लोक कला है, इस मंजूषा लोक कला में मनसा देवी का अंकन तो किया ही जाता है, मनसा देवी के साथ ही साथ
जो सती पिहुलाती और उसके पति जो बालाल खंडर थे उनके पवित्र प्रेम को भी अंकन बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कह सकते हैं बढ़िया ढंग से इसमें अंकन किया जाता है। इस चित्रकला को जो है नारी के करुण त्याग की कथा के रूप में भी जाना जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं कि मंजूषा पेंटिंग को क्या किस नाम से जाना जाता है, मंजूषा पेंटिंग को आप नारी के करुण त्याग की कथा के रूप में भी जान सकते हैं। चलिए आगे आप इसमें लिखिए कि बिहुला की कथा जो है प्राचीन भारत के, प्राचीन भारत में एक जगह था जिसका नाम था अंग प्रदेश। अंग प्रदेश वही जो कि महाभारत काल में भी कर्ण की राजधानी हुआ करती थी, वही अंग प्रदेश जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तो उसी अंग प्रदेश में यानी कि भागलपुर प्रदेश में एक नगर था, या एक कह सकते हैं कि ये अंग प्रदेश की राजधानी थी जिसका नाम था चंपा। चंपा नगर भी बहुत लोग कहते हैं, चंपा भी कहते हैं। तो ये जो सती बिहुला की कथा है जो उसी चंपा नगर की कहानी है। और जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है जिसे भोजपुरी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भाषा समझी जाती है, वहां पर एक लोकगीत के रूप में भी गाई जाती है। यानी ये जो कथा है जो आपकी मंजूषा आर्ट है चित्र के रूप में तो बनाया ही जाता है, चित्र के साथ साथ इसे एक लोकगीत के रूप में भी गाया जाता है। यानी कि जो कथा जो है इस कथा को एक सॉन्ग के रूप में, एक गीत के रूप में लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लोगों के बीच गाया जाता है। सामान्यता यह माना गया था कि यह लोग ऐसा करते भी थे कि यह निचली जातियों की कथा के रूप में प्रचलित है। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था जो मछुआरे वर्ग जो होते हैं, अभी जो निचली जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा इस तरह की पूजा पाठ के ऐसी कहानियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के समय में यह जाति की सीमाओं को लांघकर एक सर्वप्रिय नारी के करुण कथा के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आप कह सकते हैं कि मंजूषा कला को जो है, मंजूषा आर्ट को या मंजूषा की जो कहानी है इसको एक नारी के करुण त्याग की कथा के रूप में माना जाता है। जब हम कहानी को के बात करते हैं तो कहानी के अनुसार जो बिहुला होती है, बिहुला को जो है सती बिहुला कहा गया है। सती बिहुला जो है अपनी कठोर तपस्या से बाला लखंदर को जीवित कर देती है। यानी कहानी के अनुसार क्या होता है, कहानी में जो है उसका पति मर जाता है। कैसे मरता है, सांप के काटने से मरता है। तो जब एक ऐसी स्त्री जो अपनी कठोर साधना से, कठोर तपस्या से उसे भी जीवित कर देती है जिसे कि सती बिहुला कहा गया है। कहानी आपको सुनना है, इसके बारे में और जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है जो हमने कल वीडियो आप सभी के बीच लाया था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं ताकि बिहुला की कहानी को, जो ये सती बिहुला है, बिहुला विषहरी कहानी को और आप अच्छे तरीके समझ सकते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम बेसिक रूप से मंजूषा आर्ट के बारे में बात करें, मंजूषा कला के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मंजूषा पेंटिंग जो है कैसे बनाई जाती है और इसकी खासियत क्या क्या होती है। मंजूषा जो है बांस की बनी हुई एक मंदिर नुमा आकृति होती है। मंजूषा क्या होता है, मंजूषा को जो है एक मंदिर नुमा आकृति बना दिया जाता है, इस तरह का कुछ आकृति जो रहता है, ठीक है ना, जो कि बांस का बना होता है और इसी पर जो है मंजूषा पेंटिंग की जाती है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो सांपों का अंकन किया जाएगा और जो मंजूषा का जो आर्ट है उसके ऊपर किया जाता है। यहाँ पर भी जो है बहुत तरह के चित्रों का निर्माण किया जाता है। तो एक कह सकते हैं कि मंजूषा क्या होता है, एक बांस की बनी हुई मंदिर नुमा आकृति होती है जिसके ऊपर हम चित्रकारी का काम करते हैं। इस चित्र शैली की यदि कुछ हम खास विशेषताओं की बात करें तो उनमें से जो सबसे प्रमुख विशेषता है जो कि हमें बाकी किसी भी लोक कला में दिखाई नहीं देती है, वो विशेषता है कि इस पेंटिंग में मात्र 3 रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। कौन कौन रंग का प्रयोग किया जाता है आप लिख लेंगे, पहला होता है रेड यानी कि लाल, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रीन, ग्रीन यानी कि हरा। पहला होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन और तीसरा होता है येलो यानी कि पीला।
यानी कि लाल, हरा और पीला, मात्र तीन रंगों का प्रयोग करके ही इस पेंटिंग को बनाया जाता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि यदि आप मधुबनी पेंटिंग की बात करें, टुकली कला की बात करें, भोजपुरी चित्रकला की बात करें, या भी जितनी भी लोक कलाएं हैं, किसी लोक कला को आप ले लें, तो किसी भी लोक कला में कलर का या रंग का कोई भी बाउंडेशन हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम मंजूषा कला की बात करते हैं, तो मंजूषा कला में हम पाते हैं कि मात्र इसमें तीन रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि रेड, ग्रीन और येलो, लाल, हरा और पीला। इन तीन रंगों का प्रयोग करके ही पूरे चित्र का निर्माण किया जाता है। हम आप सभी के बीच जो है एक पेंटिंग लेकर आए हैं, आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। इस पेंटिंग में जो है मात्र तीन रंगों का ही प्रयोग किया गया है, जिसे आप देखेंगे कि ग्रीन से जो है लाइनिंग किया गया है, और पीला कलर से जो है बैकग्राउंड को रंगने का काम किया गया है, और जो रेड कलर है, लाल कलर से जो है इसके अंदर आकृतियां बनाई गई है। क्योंकि इस पेंटिंग में जो है जो मनसा देवी को दिखाया गया है, और इनके ऊपर जो है पांच सब सांप दिखाए गए हैं। कहानी में ये भी हमें पता चलता है कि मनसा जो है पांच बहन होती है, यानी पांच बहनों की यह कहानी है, इसीलिए मनसा, इनको मनसा देवी कहा। ये पांच बहन होती है, इनकी इनके जन्म कैसे हुआ, ये भी कथा है कि जब एक बार भगवान शिव स्नान कर रहे थे, तो उनकी जटा से पांच बाल जो है पानी में गिर जाते हैं, उसी से जो है पांच कन्याओं का जन्म होता है। इसलिए इनको जो है, जिसे मैंने कहा भी था कि मनसा को शिव की मानस पुत्री माना गया है, तो पांच ये बहन है, इसीलिए आप चित्र में देखेंगे कि जो है पांच सांपों का अंकन किया गया है। इन्हें जो है सांप के रूप में ही निरूपित किया जाता है, कई बार जो है इनको कमल के पुष्प पर या फिर सांप के ऊपर या ऐसे भी चित्र का निर्माण किया जाता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी मंजूषा पेंटिंग बनाएंगे तो आपको सांप का अंकन जरूर करना है, इसका ध्यान रखेंगे। बिना सांप के, बिना सांप का अंकन किए हुए आप मंजूषा पेंटिंग नहीं बना सकते, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे इसमें लिखेंगे आप कि आमतौर पर जो है आकृति के रेखांकन में सिर्फ हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। इसमें क्या है, जो भी रेखांकन किया गया, यानी कि जो भी स्केचिंग किया गया, वो क्या किया, वो हरे रंग से किया गया है, और पीला और जो लाल रंग होता है वो रेखाओं के बीच की जगह को भरने के लिए किया जाता है। आप इसमें देखेंगे जो पीला और जो लाल रंग है उसको क्या किया गया, जगह को भरने के लिए किया गया है, और ग्रीन कलर से जो है लाइनिंग का काम किया गया है। ये सबसे बड़ी विशेषता, जब आप मंजूषा पेंटिंग बनाते हैं तो इसका विशेष आप ध्यान रखें कि जब हम स्केचिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ग्रीन कलर से करेंगे, और इसके अंदर के पार्ट को जो है भरने का काम हम लाल और पीला रंगों से करेंगे। हमको इसका ध्यान रखना है, इसका प्रयोग करके ही आप पेंटिंग का निर्माण करेंगे। चलिए इसमें आगे आप इसमें लिखेंगे कि मनसा देवी यानी कि पांचों बहनों को जो है सांप के रूप में एक साथ चित्रित किया जाता है, जिसे मैंने कहा ही था आपको। क्या है ये, जो पांच बहनों की कहानी है, मनसा को जो पांच बहन है, तो जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो पांचों बहन को जो है एक साथ बनाते हैं। यदि एक साथ आप नहीं बना रहे हैं तो पांच सांप को भी इनके प्रतीक के रूप में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पेंटिंग में जो है इनके साथ ही साथ, यानी कि हम जो मनसा देवी को तो चित्रित करते हैं, इनकी पांच बहनों का भी अंकन करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है हम क्या करते हैं, चंपा फूल, मनियारी सांप, नेवला, धोबी, चांद सौदागर, बाला लखंगर, जैसे इस कथा से जुड़े सभी पात्रों को जो है एक साथ खास पहचान के साथ भी चित्रित किया जाता है, ताकि दर्शक उसे आसानी से समझ सके। यानी कि जब हम जितने भी इसके कैरेक्टर हैं, जितने इसके पार्ट हैं, तो उनका जब हम अंकन करते हैं तो सभी में एक खास अंतर रखते हैं, ताकि आप उसे देखकर पहचान सकें कि ये मनसा देवी है, ये बाला लखंडर है, ये धोबिन है, चाहे जो भी कैरेक्टर का पार्ट है, ये बिहुला है, उसको आप आसानी से पहचान सकें। जैसे कि एक ही आपको आपके सामने हम स्केच कर देते हैं, जो मंजूषा की जो आकृतियाँ होती है वो लगभग एक जैसी ही होती है। आप पहले वो स्केचिंग देख लीजिए।
ये जो दो आकृति आप देख रहे हैं तो मंजूषा कला में जो है इसी तरह की आकृतियों का अंकन किया जाता है। और आकृति के साथ साथ क्या कहता है जो है सांपों का भी अंकन हमें मंजूषा चित्रकला में दिखाई देता है। तो सांप बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करेंगे पहले ऐसे एक त्रिभुज बना देंगे, ठीक है ना। त्रिभुज बनाने के बाद जो ऐसे जिगजैग लाइन दे देंगे, तो जिगजैग लाइन आपका सांप तैयार हो जाएगा। इसको और डेकोरेट करने के लिए आप इसको इसमें दोनों पार्ट से ऐसा आइकॉन दे सकते हैं, और साथ ही साथ फिर इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको जो है हम जितना चाहे उतना इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जितना आप चीजों को डेकोरेट करेंगे वो आकृतियां देखने में उतनी ही बेहतर लगेगी। चलिए, ये तो मेन कैरेक्टर होते हैं, यानी कि एक सांप हो गया आपका और दूसरा मंजूषा की आकृति हो गई। इसी का जो है अंकन पूरी पेंटिंग में किया जाता है, जैसे कि मैंने आपके मधुबनी पेंटिंग में बताया था, जब हम पेंटिंग करते हैं तो पहले बॉर्डर का निर्माण करते हैं। तो जब भी आप मंजूषा पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे तो जैसे कि ये सादा पेज है, इसमें देखेंगे कि क्या किया गया, साइड से पहले पेंसिल से बॉर्डर बनाया गया है। तो आप भी इस चित्र को बनाने से पहले आप क्या करेंगे, आप बॉर्डर का निर्माण करेंगे। जैसे कि इस पेंटिंग में आपने देखा क्या किया, पहले बॉर्डर बनाया गया है, और बॉर्डर बनाने के उपरांत जो है अंदर चित्रों का निर्माण किया गया है। उसी तरह जब भी आप मंजूषा पेंटिंग बनाएंगे तो पहले बॉर्डर बना लेंगे, और बॉर्डर बनाने के उपरांत जो है सांप का अंकन और जो आकृतियां जो है आकृतियों का अंकन किया जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपका मनसा देवी है, बाला लखंदर है, बिहुला है, तो इसमें यानी कि मेल कैरेक्टर भी हैं और फीमेल कैरेक्टर भी हैं। तो इन दोनों में हम पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए क्या किया जाता है, जब भी चित्रों का बनाया जाता है तो चित्रों में कुछ ऐसे आइकॉन डाल दिया जाता है जिससे कि आकृतियां को लोग आसानी से पहचान सके। जैसे कि पुरुष आकृतियां भी बना रहे हैं तो पुरुष आकृतियां में क्या किया जाता है, चेहरे पर से यहाँ पर मूंछ को बना दिया जाता है, ऐसे मूंछ ना दिया जाता है, और यहाँ पर एक ऐसे चोटी बना दिया जाता है, माने यानी कि चेहरे पर मूंछ का अंकन होता है जिससे कि पता चलता है कि ये क्या है, ये मेल आकृति है, ठीक है ना। जब आप फीमेल बनाएंगे, और मेल आकृति में क्या कहते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत डेकोरेट करके हम प्लेट को भर देते हैं। लेकिन जब हम फीमेल आकृति बनाएंगे तो फीमेल आकृति में क्या कहते हैं, चीजों को ज्यादा डेकोरेट कर दिया जाता है, यानी कि डेकोरेट करने से अर्थ क्या है कि इसको बहुत ज्यादा सजाया जाता है जिससे लगे कि वो आकृतियां फीमेल की है। इस तरह से हम इसको डेकोरेशन करने का काम कर देते हैं आकृतियों में। तो इस तरह से जो है हम आकृतियों का निर्माण करते हैं ताकि दर्शक जो है जब पेंटिंग को देखे तो समझ सके ये क्या है, मेल आकृति है और फीमेल आकृति है। तो जब भी आप मंजूषा पेंटिंग बनाए तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आप कौन सी आकृति बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसमें आगे आप लिखेंगे कि आप जो है मंजूषा कला को सिर्फ मंजूषा को अलंकृत करने तक ही सीमित रखने के बजाय व्यावसायिक उत्पादों एवं सजावटी सामानों पर भी चित्रित किया जाने लगा है। यानी पहले जो हम पेंटिंग करते थे तो इसका उद्देश्य क्या था, बस मनसा देवी की महिमा का प्रतिपादन करना था, यानी कि हम चित्र बना करके, जैसे कि हमें चित्र बना दिए पेपर पर, इसको हम कहीं भी घर पर या कहीं भी इसको ऐसे डिस्प्ले कर देते थे, इसको हम सजावट के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि सब चीज़ों पर, जैसे कि आपका मार्कर पेन है तो इस पर पेंटिंग बनाई जाएगी, आपके घर का कोई भी पार्ट है, घड़ी है, सजावटी सामान है, टेबल है, टेबल क्लॉथ है, तो उन सभी चीज़ों पर भी आज के समय में जो मंजूषा पेंटिंग है, मंजूषा का अंकन किया जाने लगा, यानी कि सजावटी सामानों पर भी चित्रित किया जाने लगा है, जिससे कि इसका व्यवसाय बहुत अधिक बढ़ गया है। आप भी जो है मंजूषा पेंटिंग बना करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कि वर्तमान समय में भी मंजूषा पेंटिंग का निर्माण करके देश या विदेशों तक अपनी छवि बनाए हुए हैं। चलिए आगे इसमें आप लिखेंगे कि इस चित्रकला शैली के अंतर्गत
पारंपरिक विषयों का चित्रांकन अधिकतर होता आ रहा है। यानी कि जो ये मंजूषा चित्रकला शैली है, तो जो मैंने आपको तीन आकृतियां बताया, जो कहानी बताई, इसका पारंपरिक है, यानी कि जब से इसका शुरुआत हुआ तब से लेकर अभी तक इसी विषय पर ही चित्रों का निर्माण किया जाता है। जब भी मंजूषा पेंटिंग बनाते हैं तो मंजूषा पेंटिंग का बस एक ही टॉपिक होता है, बिहुला विषहरी की कहानियों का अंकन करना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो है, जो वर्तमान कलाकार हैं, यानी कि जो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट हैं, जो समकालीन कलाकार हैं, वो बिहुला विषहरी की लोक कथा से अलग दूसरे विषयों को भी इस शैली के जरिए चित्रित करने का काम कर रहे हैं। यानी कि अब वो समय नहीं रहा कि बस हम बिहुला विषहरी की कहानी को ही मंजूषा कला के द्वारा चित्रित करेंगे। आज के समय में जो है बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कि आपके जो कंटेम्परेरी टॉपिक है, जो समकालीन जो विषय हैं, समकालीन विषयों पर भी मंजूषा चित्रकला का अंकन आज के वर्तमान कलाकार यानी कंटेम्परेरी आर्टिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको जो है आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक था मंजूषा चित्रकला, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आप ही प्रयास करें, यदि आप थोड़ा बहुत भी पेंटिंग करना जानते हैं, पेंटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुझे लगता है कि मंजूषा चित्रकला बहुत ही आसान चित्रकला है। इसमें ना तो बहुत ज़्यादा रंगों का प्रयोग किया जाता है और न ही बहुत ज़्यादा आकृतियों का निर्माण किया था, बस बेसिक आकृति बना करके आप इसे सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं कि मंजूषा चित्रकला कैसे बनाएंगे। जो अंग्रेजी का जो एक अक्षर होता है एक्स, ऐसे बना लेंगे आप, देखिए यह आपका आकृति हो गया। इसी के आधार पर जो है आप चित्रों का निर्माण आसानी से करते हैं। क्या आकृति में इसको हम क्रॉस करेंगे, अगर देख सकते हैं आप ये क्या होता है, इसी के अंदर जो है आकृतियों का निर्माण होता है। अब इसको हम आकृति कैसे बनाएंगे बताते हैं आपको करना क्या है। बस मैं तो दो पार्ट बना हुआ है, यहां से बस हमें हाथ बना देंगे दोनों साइड से, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका हाथ, आपका बन गया। नीचे का जो बॉडी का पार्ट है इसको आपको मिला देना है ऐसे, देखिए बहुत आसान है। आप मंजूषा पेंटिंग बहुत आसानी से बना सकते हैं, जब इतना बना लेंगे तो और पार्ट क्या बच गया, फिर इसको आपको इन दोनों पार्ट को ऐसे मिला देना है, ठीक है। देखिए अब इसको मिला करके इसको हम डेकोरेट कर देंगे इसको। यदि मेल फिगर बना रहे हैं तो ज्यादा डेकोरेशन नहीं करेंगे, फीमेल फिगर बनाया ज्यादा डेकोरेट कर देंगे। अब आप देखेंगे लगभग कितना हो गया आपका 70% हमारी आकृति तैयार हो गया। अब क्या फेस इसका बनाना रह गया, तो फेस बनाने के थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको इस तरह की आकृतियां मैं आपको साइड में बना बता देते हैं, आपको जो है ऐसे ऐसी आकृतियां बनानी पड़ेगी। ये उसका फेस का क्या होता है, डायग्राम होता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे बनाने का प्रयास करना है। या इतना बनाना सीख लेते हैं तो आसानी से इसका फेस आप बना लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फेस बनाएंगे ऐसे, देखिए फेस हो गया। फेस बनाने के बाद इसको आप मुंह ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, ज्वाइंट होने के बाद फिर ऐसे निकल जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। आप देखेंगे लगभग आपकी पेंटिंग जो है लगभग तैयार हो गई। उसके बाद जो है ये बीच का लाइन इसको हम मिटा देंगे और इसको जैसे कि जो फिगर है यहाँ से आप इसको ला करके ऐसे मिला देना है दोनों साइड से, ये मिल जाएगा ऐसे। और यहाँ पर इसको पार्टीशन कर देंगे हम, यहाँ पर इसका आंख तैयार कर देंगे। आपका एक तो देखेंगे मंजूषा पेंटिंग का बहुत ही आसानी से आप अंकन कर सकते हैं। आप इस शेप में ही बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसे भी आप जैसे बोर्ड बना हुआ आप अभ्यास से पेंटिंग बनाना सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप प्रयास करेंगे मेहनत करेंगे तो मंजूषा पेंटिंग को बहुत ही आसानी से बनाना सीख सकते हैं। और बाकी चूँकि आपके परीक्षा में भी जब प्रश्न आता है तो उसमें दिया जाता है कि आपको मंजूषा का सचित्र अंकन करना है, यानी कि चित्र बना करके बताना है, तो थोड़ा बहुत आपको चित्र बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, हम अगले वीडियो में जो आपके बिहार की जो दूसरी लोक कला है यानी कि आपकी जो टिकुली लोक कला है
उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।